जो कुड़ी सारी उठा लमक दी हम फैमिली से बिलोंग करते हैं ना <laughs> भाई जान कौन है आप और यहाँ क्या करने हैं आए मोहम्मद अली किले का नाम सुना आपने जी मैं जूनियर मोहम्मद अली किले मोहम्मद अली किले येस, जूनियर यस उनकी तमाम वीडियोस देखता हूँ आप मेरे साथ बॉक्सिंग कर सकते हैं बेशक जी नहीं मुझे कोई शौक नहीं कर मैं भी फारि कर ले अच्छा वो बाय द वे आप लोगों को बताते हैं वो मोहम्मद अली किले उनका नाम नहीं था उनका नाम कैशस क्ले था पहला नाम पहला तो वो मोहम्मद अली क्ले कहते थे तो उन्होंने एडर करता मोहम्मद अली क्ले अच्छा ने आपने हमारी बात क्ले कर दी आ, के, आ, के, आ, तो भाई आ, आप यहाँ क्या करने आए हैं एक्चुअली मैंने एक बॉडी बिल्डर है बड़ा नाम सुना है नो बट नो बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ वो आके मुकाबला करें यस मेरे साथ मुकाबला करें 405 किलो वजन उठा लिया तो क्या हो गया मैं 500 किलो वजन उठा सकता हूँ कैसे लेके चोक लांगा <laughs> लो जी पावें मेरी नजर कमजोर है डोले दे तडी तयर के हो गए जे भाईजान <laughs> <laughs> आप कभी व्हाट्सएप को मिले ओ मैं कभी नहीं मिला मैंने देखा बस वो वीडियो पे रेड निकर शर्ट पहन के तो वो उठाया <laughs> तो अगर आप उनको चैलेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे चैलेंज बट्टा आ मेरे ਨਾਲ मुकाबला कर तन्न लगे के 500 किलो वजन

हो। मैं कटो, नुमा नहीं, नहीं, अब आपने जो चैलेंज किया था करें ना जरा चैलेंज करें ये क्या, ये क्या हुआ ये क्या हुआ आपको ये क्या हुआ तुरै ही नहीं जा रहा <laughs> अच्छा तुर नहीं जा रहा वोरी साहब मैं अम्मी को जाने। <laughs> अब आपने चैलेंज किया है तो चैलेंज पूरा करें बाबा है तेरी नू बनेगी बट पता नहीं।, <laughs> <laughs> नहीं अच्छा आप कह रहे थे कि आपने वेट लिफ्टिंग भी की हुई है झूठ बोल रहे झूठ बोल रहे आप कैसे आपने बॉक्सिंग भी की हुई है हाँ बॉक्सिंग तो की हुई बट साहब बट साहब डले की ते हो भी मेनू डर लग रहा है एक काम करो ना पंजा लड़ा लो उनके साथ अब के देना वाह नहीं नहीं वो शादी करे आप, आप अगर उनसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं कोई ट्रेनिंग के हिसाब से कोई डाइट के हिसाब से तो आप पूछ सकते रोटी मिलती जनाब बट साहब इन्होंने शो में आने से पहले यहाँ कहा था की मैं बट साहब को ओपन चैलेंज करता हूँ आर्म रेसलिंग में क्या वो तो से। माशाला, माशाला, आप इनको जवाब देना चाहेंगे ये जितना इनका वेट है ना इतना मैं क्लब में जाके पहला सेट वार्म का लगाता ना करो हसाना नहीं, अच्छा ये आपने बयान दिया था कि अगर मैं मैंने कोई नहीं। ये था बयान कि अगर मैंने इनके साथ पंजा लड़ाया तीन सेकंड में इनको हरा दूंगा सर ये तो फिर अभाव होगा इधर आए आगे आए आगे आए ना यहाँ बैठे ये टेबल के ऊपर हाथ रखें अपना आए बाट साहब जरा ये आए बैठे हैं बैठ साहब क्या बैठ के ये पंजा लड़ा है चले शाबाश इजाजत में मिल चले लाओ फिर बट साहब आज तुसी था नहीं लीए आज मैं जितांगा सीधे हो जाओ नो बट साहब सीधे हो जाओ ये बट साहब भाईजान बट साहब हारना जी बट ਅੱਛਾ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਫੜੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਫੜੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਟ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ 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 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਨੇ ਜੀ 버ਗਰ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ੂਜ਼ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਬੂਟ ਮੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਰਫ ক্রিকেট ਮਗਰੀ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਐ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਾ ਵਾ ਅੱਜ ਜੁਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਐਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹਮਜ਼ਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੈਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਿਕਟਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇਗੀ ਨਾ ਕਰਿਕਟਰ ਯਾ ਸੁਣ ਕੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਕੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮ ਲੇਕਿਨ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਟੜਲੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਘਟਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨਟ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕਟਣ ਗਿਆ ਘਟਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨਟ ਜੀਵੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜੀਵੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂਆਂ ਨੂੰ ਵਟ ਜਾ ਨਾ ਝਿੰਗਲਾ ਨਿਕਲਾ ਲੈ ਜਨ ਨਿੰਦਨਾ ਨਿੰਦਨਾ अहमद भाई अगर आप कहें तो मैं अगले हफ्ते मेरे भांजे के जो ना है ना खतरे हैं तो मैंने बुक करवा लूं oh! <laughs> <laughs> एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे कहीं मैं जाएगा माइंड ना करना विल बी बैक वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक हाउ दिन आजाद आप देख रहे हैं माइंड ना करना बट सब आपकी डाइट के अंदर सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन किस चीज की होती है बेसिकली uh, जो मेरे फादर का जो जेन है वो कहते हैं कि हमें नेचुरल डाइट पे रहना चाहिए और बिल्कुल उसी पे रहना चाहिए क्योंकि आजकल जो हमारे लड़के जो हैं वो सी डाइट्स को इस्तेमाल करके बड़ा शॉर्टकट कट टाइम के अंदर जो है ना पहुंचना चाहते हैं, हैं अपना मगर वो तो इलीगल भी है बिल्कुल मतलब अ, लेकिन हमारे अ, कुछ लड़के जो है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अपनी हेल्थ भी ख़राब होती है अगर नेक्स्ट लाइफ में भी जाके खराब होगी तो मल्टी बिल्कुल इस्तेमाल करनी चाहिए मेरा अपना एक

मैंने किसी ने क्या अंडा। अंडा है, <laughs> है, है, है गुड लुकिंग भी है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपके पास है तो अगर इन खातिन को आप में किसी ने आप, आपने उनको डिनर पे लेके जाना हो तो आप किसको लेके जाना चाहेंगे ठीक है ना खुराक वही होगी जो आपके वाले साहब कहेंगे मगर को डिनर पे लेके जाना चाहेंगे वो अब आपकी मर्जी है ठीक है ना जी तो ही हमारी दो तस्वीरें ये हैं आहा हा 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 दो खूबसूरत खवातीन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है एक माया अली है और एक रेशम है तो इन दोनों में से आप किसको डिनर पे लेके जाना चाहेंगे Uh, मुझे लगता है रेशम को जाना चाहिए वो खा नहीं पाएंगे अगर रेशम कहेगी कि, कि जी मैंने आपको खाना खिलाना है तो आप उनको खिलान देंगे या जो आप पकाएंगे वही होगा नहीं नहीं जो मैं हम पकाएंगे वो खाएंगे हाँ 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 रेशम ने पहली बार जिस पतीले लंगर बनाया सी ना वो पतीला आज बॉक्सर जे <laughs>